नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण का छठी महोत्सव। मनमोहक झांकी ने लोगों का मन किया प्रफुल्लित। बहराइच में चरवल के धनराजपुर में श्री कृष्ण का छठी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव में बड़ी संख्या में भक्तगण श्री कृष्ण के भजनों पर झूम कर जयकारे लगा रहे थे। कलाकारों की मनमोहक झांकी लोगों की आकर्षण का केंद्र रही। निषाद पार्टी के तत्वाधान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। जरवल के धनराजपुर बाबा कुटिया नहर पर भगवान श्री कृष्ण का छठी महोत्सव लगातार 5वें साल भी धूमधाम से मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कमेटी के प्रबंधक राजित राम कश्यप, अध्यक्ष दीपक कुमार कश्यप ने बताया कि लखनऊ और कानपुर से आई संगीत पार्टियों के कलाकारों की टीम ने धार्मिक गीत और मनमोहक झांकी प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया है। कार्यक्रम के सहयोगी और निषाद पार्टी के मंडल सह प्रभारी बालकेश निषाद उर्फ श्यामकेश ने कहा कि लगातार 5 सालों से निषाद पार्टी के तत्वाधान में श्री कृष्ण छठी कार्यक्रम का आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा धूमधाम से किया गया। भविष्य में भी हम सभी लोग मिलकर कार्यक्रम मनाएंगे। समिति के सदस्यों को माला पहनाकर अंगवस्त्र भेजकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर त्रिलोकीनाथ मोहती मिश्रा, विमल कुमार, खुशीराम कश्यप, गया प्रसाद सिपाही, लाल रंजीत कुमार सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अपने इस जन्माष्टमी के जितने कमेटी के लोग हैं उनको मैं नमन वंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि विगत 5 वर्षों से लगातार जो कार्यक्रम चल रहा है इसके लिए हमारे जितने कमेटी के लोग हैं वो सब बहुत बधाई के पात्र हैं। और हमारे धनराजपुर का जो लगातार नाम चल रहा है पूरे क्षेत्र में और पूरे देश में पूरे प्रदेश में, इसके लिए हमारे कमेटी के जितने बंधु हैं सबका मैं स्वागत करता हूं। और जो हमारा ये कार्यक्रम लगातार हो रहा है वो निषाद पार्टी के तत्वाधान में हो रहा है और निषाद पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता भी हैं और मैं भी निषाद पार्टी के मंडल सह प्रभारी हूं, इसलिए मैं हर वर्षों की भात इस वर्ष बहुत धूमधाम से मनाया गया है। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आज जो कि छठी का जन्मदिन दिन था और जिसमें कानपुर और लखनऊ की पार्टी आई है और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं कि हमारी जनता, हमारे क्षेत्र की जनता लगातार ये एक मनोरंजन के साधन है, एक मिलन का साधन है। और मैं भगवान श्री कृष्ण और निषाद राज भगवान श्री राम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम लगातार चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सम्मानित कर रहे हैं हमारे ग्राम सभा के जितने पदाधिकारीगण हैं और जितनी जनता है, माताएं बहनें और सभी सहयोग कर रहे हैं। और हमारा कार्यक्रम 5वां वर्ष हो रहा है, बराबर कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सबका स्वास्थ्य सबका विकास हो रहा है। अगले हर वर्ष से अच्छा हो रहा है कार्यक्रम। और जय श्री राधे। हमारे प्रबंधक जी बहुत बड़े परिश्रम से इस जन्माष्टमी के उत्सव को मनाने के लिए परिश्रम किए। उन्हीं के साथ में हमारे कमल कुमार जी और अध्यक्ष दीपक कुमार जी और खुशीराम सह प्रभारी जी और विमल सह प्रबंधक जी, हमारे सिपाही लाल, मीडिया और यहाँ की जनता जो हमारे यहाँ पे है उन लोगों के सब उपलक्ष में सारे लोगों को मैं धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में जो हमारा यहाँ कार्यक्रम धनराजपुर बाबा कुट्टी नहर पे जो शुभ आरंभ चालू हुआ है, जो हमारे यहाँ के भाई मित्र और हमारी माताएं बहनों के सहयोग, सारे लोगों का सहयोग दायित्व के हिसाब से ये कार्यक्रम जो चल रहा है, ये हमारा 5वां कार्यक्रम है ना, 5वां कार्यक्रम है। और अच्छे से हमारे कार्यक्रम सारे चीज़ों को उपलब्ध में हम लोग कमेटी के जितने भी सदस्य हैं सारे सहयोगों को दायित्व निभाते हुए यहाँ की जो भी जनता है उन लोगों का मैं अभिनंदन और स्वागत एवं वंदन करता हूँ, धन्यवाद। हमारे इस गांव के जो भक्त हैं उनकी बड़ी ही परिश्रम और मेहनत और हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं और हम लोगों ने जो मिलकर कार्य किया है भगवान कृष्ण के चरणों में, वो हमेशा आगे बढ़ता रहे और जन्म उत्सव हर साल मनता रहे।